तो अभी देखिए फोमो में आके इस सिचुएशन में बाई करना रिस्की हो सकता है, अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो सही है। 487 के आसपास हुआ है एंट्री। सो ऑलरेडी इसने अगर देखे लगभग 63 को टच कर चुका है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रेल द एसएल। हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग सीरीज की डे नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज का डेट है मंडे 29 अप्रैल, 9:46 हो चुका है। कल के दिन हमने पीएनएल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए आज के दिन हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो मार्केट जस्ट मिडिल में ओपन हुआ एंड देन हाई साइड मूव देने की कोशिश। 15 मिनट टाइम फ्रेम में और क्लैरिटी के साथ हमको मिलेगा। देखिए सेंट्रल पिवोट के ऊपर ओपन हुआ था, मेजर ट्रेडिंग जोन जो था यहाँ पे, ये देखिए कल के दिन यहाँ पे भी टाइम दिया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो इनकी अबव ओपन हुआ मूविंग एवरेज के अबव एंड देन यहाँ पे हायर साइड मूव देखने को मिला एंड देन थोड़ा सा रिट्रेस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक पोजीशन हियर। पहला पोजीशन से यहाँ पे लेस क्वांटिटी के साथ मैं बनाऊंगा एंड देन जो नेक्स्ट पोजीशन होगा और हायर प्रोबेबिलिटी के साथ हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे रीजन ऑलरेडी बता चुका हूँ, हायर साइड मेजर ट्रेडिंग जोन के अबव और ये भी एक मेजर ट्रेडिंग जोन था, उनको ब्रेक करके फिर से रिटेस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक पोजीशन हियर। तो चलो यहाँ पे अकाउंट्स की बात करें तो 2 लाख के साथ हम ट्रेड करते हैं। जो भी प्रॉफिट हुआ है लास्ट वीक वो हम विदड्रॉ कर लिए हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हम 5 लाख से करें। तो चलो अभी हमारे पास 2 लाख अमाउंट है एंड देन यहाँ पे जस्ट हम ऑप्शन चेन ओपन करके दिस वन थोड़ा सा रिट्रेस कर रहे हैं एंड हम ले रहे हैं एंट्री। चलो हो चुका एंट्री, अभी मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ। देखिए मार्केट जहाँ पे है 453 एंड अगर इस लेवल के नीचे आ जाते हैं तो मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट 100 पॉइंट, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का एसएल रखना चाहिए, ये तो लॉसेस दे रहा है मुझे। तो अभी मैं जस्ट यहाँ तक प्लेस कर रहा हूँ, 273 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। चलो स्टॉप लॉस मैं कर चुका हूँ प्लेस, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है इस बार। लेट्स सी ये क्या हुआ, जो भी स्टॉप लॉस था स्टॉप लॉस हो चुका है हिट एंड 14,000 की लॉसेस हम पहला पोजीशन से बुक कर चुके हैं। रीजन ऑलरेडी बताया था कि मार्केट जस्ट हाई साइड में जाके रिट्रेस लिया है, मेजर ट्रेडिंग जोन के आसपास है, दैट्स वाई मैंने एंट्री लिया था। बट ऑलवेज आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो पहला पोजीशन से हम लॉस लेके निकल चुके हैं। नाउ लेट्स शो इट। हे गाइस, अभी टाइम 1:10 हुआ है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो हमने पोजीशंस बनाया था, तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया 273 में, 14,000 की लॉस हमने बुक किया एंड देन 255 तक इसने लो बनाया। देन आप देख सकते हो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिला बैंक निफ्टी में और ये देख सकते हो 788 तक इसने हाई मारा और स्टिल अभी भी देखो 743 में इसने ट्रेड कर रहा है, मतलब इतना ढंग का रिट्रेस भी नहीं दिया और यहाँ पे 786 तक इसने हाई मार दिया। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे हाई, मार्केट यहाँ पे कुछ देर तक सस्टेन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पोजीशंस बनाया था, छोटा सा एसएल था, हिट करके यहाँ पे रैली देखने को मिला और हम यहाँ पे स्कैल्पिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया 25,000। स्कैल्पिंग सीरीज को भी देखना ना भूले, ये देखिए यहाँ पे मोर देन 30 एपिसोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस के आसपास आके कुछ देर तक यहाँ पे लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे सस्टेन किया एंड सस्टेन करने के बाद उनकी ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह की ब्रेकआउट में अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलता है एंड रैली देखने को मिलता है, जो आज हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पे 300-400 तक मूवमेंट दे चुका है। स्टिल मैं यहाँ पे पोजिशंस बनाऊंगा अगर ये जो हाई है यानी 49,050 के ऊपर सस्टेन कर जाए, यहाँ पे बेस बना रहा है ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पे पोजिशंस बनाऊंगा अगर ये 49,050 के ऊपर आ जाए या फिर रिट्रेस लेके ये 48,850 के आसपास आ जाए, क्योंकि जैसे ही रिट्रेस लेगा ना यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगा। जो लोग एंट्री नहीं ले पाया जैसे कि मैं नहीं ले पाया, यहाँ पे कूदेगा और फिर डिमांड देखने को मिलेगा प्राइस में एंड प्राइस ऊपर की तरफ उछल मरेगा। तो ये होता है प्राइस एक्शन से, लेट्स सी क्या रिट्रेस देते हैं या फिर विदाउट रिट्रेस फिर से 49,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक एट द मनी 339 के आसपास चल रहा है, मार्केट को यहाँ तक आने दो, लगभग यहाँ तक रिट्रेस या फिर इसके ऊपर सस्टेन करने दो, तब हम पोजीशंस बनाएंगे। टाइम 1:56 है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं लॉन्च करने के लिए गया था और ये देखिए बेस बना के ब्रेकआउट हुआ फिर से 49,000 के ऊपर। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था 1:10 के आसपास ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 300 मोर देन 300 पॉइंट की मूव दे चुका है एंड प्रीमियम की बात करें यहाँ पे था 333 के आसपास, अभी देखो मोर देन 200 पॉइंट की प्रीमियम में भी जाम देखने को मिल गया। अभी मैं कैसे लूँ एंट्री बताओ,
ऑलरेडी इतना अच्छा खासा मूव दे चुका है। आज हर डिप में बाई करना चाहिए था, मैं थोड़ा आज अलग काम में बिजी था तो मिडिल में ये भी प्रॉब्लम हुआ, और अभी देखो मैं कैसे लूँ एंट्री। फिर भी मैं यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा रिट्रेस में 485 के आसपास लाइक किया, तो चलो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। क्रिएट न्यू ऑर्डर 87 के आसपास लेते हैं। सो अभी 487 के आसपास ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ 375 क्वांटिटी। तो अभी देखिए फोमो में आके सिचुएशन में बाई करना रिस्की हो सकता है, इतनी बढ़िया मार्केट में लॉस करना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो सही है, लेकिन फोमो में आके बाई नहीं करूँगा, रिट्रेस में ही करने वाला हूँ। सो लेट्स वेट। थोड़ी सी चूक हो गया, 92 तक इसने बनाया था लो, एंड मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, थोड़ा सा और डाउन आ जाता और उसके बाद देखो कहाँ तक आ गया, मतलब हमारा यहाँ पे वन टाइम्स टारगेट आ जाता। ₹487 के आसपास हुआ है एंट्री। अब अगर मैं स्टॉप लॉस 445 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूँगा, मुझे 8000 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। 38 पॉइंट का एसएल, टारगेट 114, सो लेट्स सी। समथिंग प्रॉफिट हो रहा है अभी। पहला हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल होंगे जब 525 आ जाए, यानी 19 आ चुका है, तो 487 पे यानी कॉस्ट टू कॉस्ट हम कर देंगे एसएल, हो चुका है। तो अभी कॉस्ट में एसएल को मैं ट्रेल कर दूंगा लाइक किया, अब इस पोजीशन से मेरा कोई लॉसेस नहीं होने वाला। सो ऑलरेडी इसने अगर देखे 561.85 तक यानी लगभग 63 को टच कर चुका है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रेल द एसएल, एंड एसएल ट्रेल करके अभी हम 525 में कर देंगे। अभी देखो मुझे यहाँ पे 23 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है 601 जब जाएगा 563 में सेल ट्रेल होंगे, अदरवाइज हम और नज़दीक कर देंगे। अभी देखिए अबाउट टू हिट 585, इसने लगा दिया 15 पॉइंट अभी रह गए हमारे टारगेट से, एंड 35,000 समथिंग प्रॉफिट रनिंग। अब हम स्टॉप लॉस को इतना बड़ा भी नहीं रखेंगे, एंड जस्ट यहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया, 10-12 पॉइंट ही रह गया है, क्योंकि क्लोजिंग सेशन है, किसी भी टाइम मार्केट यहाँ पे बेंट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, दैट्स वाई मैं जस्ट यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा हूँ। जो भी हो जाए यहाँ पे 20,000 के आसपास प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ओके देखिए आके यहाँ पे कर चुका है एसएल हिट, एंड टारगेट से जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 14 पॉइंट का दूरी था, स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर दिए थे मूविंग एवरेज के आसपास, क्योंकि ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था, एक क्लोजिंग सेशन है, किसी भी साइड मार्केट टर्न हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, इसलिए रिस्क को मैनेज करके मैं चल रहा था। हालांकि ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अभी भी स्टिल अपसाइड जा सकता है, बट इट्स ओके, टू ट्रेड्स हमारा डन हो चुका है, आई थिंक मैं ग्रीन में क्लोज कर पाया, 9096 के आसपास हमने क्लोज की, एंड यहाँ पे ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वन मोर धमाका ऑफर, अभी आप जीरोधा में बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका एज बिलो 25 है। अकाउंट ओपन करने के बाद एक ट्रेड कीजिए एंड देन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, और उसके बाद ये जो दोनों कोर्सेज है हमारे तरफ से, ये दोनों कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट आप इनकी एक्सेस प्राप्त कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।